अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फइन्नल्लाहा हुवा मौला हुवा मौला जिब्रील हुवा सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह भी नबी दा मौला है, जिब्रील भी नबी दा मौला ते मददगार है, वसालिहुल मुमिनीन भी नबी दा मौला है। नौजवान जड़े नबी नु अल्लाह फरमा रहे हैं कमली वाले मैं तेरा मौला ते मददगार हां, दसो सन नबी नु केड़ी फिकर हो सकदी है। अल्लाह ने फरमाया फइन्नल्लाहा हुवा मौला वा जिब्रील वा सालिहुल मुमिनीन। परवरदिगार ने फरमाया अल्लाह भी नबी दा मौला है, जिब्रील भी नबी दा मौला है, वसालिहुल मुमिनीन तो उलमा बयान कर दे रहे हैं, वसालिहुल मुमिनीन तो मुराद मौला अली। भाई अल्लाह भी नबी दा मौला है, जिब्रील भी नबी दा मौला है, वसालिहुल मुमिनीन अली भी नबी दा मौला है। जड़े बेले आई मेरे आका दी हदीस दी बारी, मेरे आका ने फरमाया मंग को तो मौला फहादा अली मौला। फरमाया जीदा मैं मौला ओदा अली मौला। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। जीदा मैं मौला ओदा अली वाला बोले जीदा मैं मौला ओदा अली मौला। माशाल्लाह कमर भाई तू थोड़ा जा ज्यादा ख्याल अपनी मूवी का रखी खड़ा है, पर साडा ते बंदे दा ख्याल भी रख, थोड़ा जा होर इसके अंदर जान डाल। प्रीत नाल बोलो भाई सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप सरकार दे गुलामों में उस अली दा जिक्र आप अहबाब दे सामने छेड़ के बैठा कि जड़ा अली अपनी मां दे शिकम में आया ते फिर भी नबी दा अदब कीते जा रहा। मौला अली दी अम्मी जान दा नाम सी हजरत फातिमा बिनते असद, और याद रखिया जे मेरे आका अलैहिस्सलाम नु लफ्ज़ फातिमा नाल बड़ा प्यार। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप सरकार दी पाक बारगाह दा ना एक रेशमी दुपट्टा पेश कीता गया, तो मेरे आका ने फरमाया कि इस दुपट्टे दे ना चार टुकड़े बनाओ, चार दुपट्टे मजीद बनाओ। तो मेरे आका ने फरमाया कि इन चार दुपट्टियां नु मदीना तैयबा दी उन हां औरतां ही तकसीम कर दो जिहदा नाम फातिमा है। ते जिहड़ा पहला दुपट्टा है ना ओ मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद नु मिलिया, ते दूसरा दुपट्टा हजरत अबीर हमजा दी बेटी फातिमा नु मिलिया, ते तीसरा दुपट्टा हजरत अकील दी घरवाली ते मौला अली दी बाबी फातिमा नु मिलिया, ते चौथा दुपट्टा हजरत फातिमा बिनते मुहम्मद नु मिलिया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम आप सरकार ने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? फातिमा फतमुन चो निकले, ते फतमुन दा माना है आजाद। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी बेटी आप भी दोजख तो आजाद है, ते जेड़ा इहदे नाल प्यार कर लवे उन्हूं ही दोजख तो आजाद करवा लवेगी। इतना प्यार लफ्ज़ फातिमा दे नाल, और मौला अली दी अम्मी जान दा नाम भी फातिमा है। ओ हुजूर दी चाची हजरत फातिमा बिनते असद तारीख पढ़ के वेखो मेरे आका दा बचपन है, ते मेरे आका अली सलातो सलाम दी परवरिश मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद ने की थी। अगर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दा बचपन है ते मौला अली दा वेड़ा है, याद रखिया जे जे अली दा बचपन है ते नबी दा वेड़ा है। मौला अली दी परवरिश हजरत अम्मा खदीजा तुल कुबरा ने की थी, और नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी परवरिश मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद ने की थी। जड़े वेले आए ना मौला अली अपनी मां दे शिकमे अतहर दे अंदर, इधर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम अपनी चची दे वेड़े तशरीफ लेके आंदे ना, ते मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद मेरे आका दे अदब वास्ते खड़ियां हो जांदियां ने। तो मेरे आका ने फरमाया चाची जी जे पुत्र आने ते मामा खड़िया नहीं होंदिया, बल्कि मामा आने ना ते पुत्र खड़े हो जाते हैं। जेड़ा मां दा अदब करदा बोले सुभान अल्लाह, ते जेड़ा अब्बे दा करदा हाथ चौके बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका ले सलातो सलाम ने फरमाया कि चची जी जो पुत्र आने ते मामा खड़िया नहीं होंदिया, बल्कि मामा आने ते पुत्र खड़े हो जाते हैं। चची जी मैं आना तुसा खड़िया क्यों होंदिया हो? अर्द कर दिया ने वे कमली वाले जब मेरे बेड़े तशरीफ लाके आ जाना मां आजाद ने ना वाले
बल्लेन जुल्फ वाले सोने जब मेरे बेड़े आ जाना है जड़ा बच्चा मेरे पेट के अंदर सोने मेरे पेट ची अकड़ जाता है ए कहंदा अम्मी जी खड़ी आ जा वेख नबियां दा इमाम आ गया रीतना बोलो सुभान अल्लाह जिन्हें अपनी मां दे शिक में नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम दा अदब कीता है। अच्छा मेरा जी करदा इस अदब दा रंग पहले कुरान च पेश करां ते फिर पीर बाहू दा शेर पढ़ा और मिठा जे परीतन बोलो बे सुभान अल्लाह। दिल दरिया समंदर डूंगे दिल दरिया जितना होवे ना तो समंदर जितना डूंगा होवे विच इश्क मुस्तफा दी लहर आउण सुभान अल्लाह आपे पे निकलदी होदी है। मौला अली ओने जिन्हें अपनी मां दे शिकम च नबी दा अदब कीता और इस अदब दा जिक्र रब ने कुरान च फरमाया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना अरसलना शाहिदा व मुबशिरा व नदीरा लितुमिनु बिल्लाह वरसूलिही वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक़िरूहु वतुसब्बिहूहु बुख़रतन असीला। इहदा तर्जमा पीरे बाहू ने कीता आरफां दे सुल्तान ने फरमाया इल्म पढ़िया कदी जौहर नहीं बन दे ओ जड़े हो मन जात कमीने हो पितल कदी ए सोना नहीं बन जाए और भावे जड़िए लख नगीने हो शोभ कलो एक दीदार नहीं मिलदी और भावे हो बने लखे खजीने हो बिना दबा निजात नहीं मेरा का मिल बाग और भावे मरिए बच्चे मदीने हो बिना अदब बिना अदब निजात नहीं मेरा कामिल बाहू अब हमें मरिए वेच मदीने हो। इल्म ते इबलीस को भी बड़ा सी अगर इस इल्म दे विच अदब ना ना होवे फिर इस इल्म दा भी कोई फायदा नहीं। इल्म भी सीखो पर इल्म अदब दे नाल सीखो। अच्छा मैंने ईमानदार नाल दस्या जे बड़े सियाने बंदे ते तशरीफ फरमाओ याद रखिया जे अगर रिश्तिया दे विचों अदब खत्म हो जाए भला रिश्ते टुट नहीं जाते। कोई बेटा अपने बाप का अदब भी ना करे कोई मुक्तदी अपने इमाम दा अदब भी ना करे कोई मुरीद अपने पीर दा अदब भी ना करे माज़ अल्लाह को उम्मती अपने नबी दा अदब ना करे बल रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। किड़े इलम दी गल्लां पे करने अ दीन कुल्लहू अदब ए सारा दीन ही अदब दे विच जे अदब आ जाए ना ते अदब दे विच बंदा एक ही नमाज पढ़े नमाज फजर ते दुआ करे अर्ज करे या अल्लाह मैं ये तौफीक दे मैं चार नमाजा पढ़ा ते रब ताला अदब दे नाल नाल बाकी नमाजा पढ़ने दी तौफीक अता फरमा छड़ेगा। एक बार तू अदब तक कर अपने माँ पे दा अदब कर अपने पीरो मुर्शिद दा अदब कर अपने वडेरे दा अदब तक कर फिर वेख दीन किस तरह तेरी जड़ी दिल वाली बंजर जमीन है किस तरह जरखेज कर देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप सरकार दे गुलामों मौला अली ओ हस्ती है जड़ा मां दे शिकम च फिर भी नबी दा अदब कीती जा रहा। जदों आई ना तेरा रजब अल मुरजब दी रात
13 रजब नो मक्के दे लोग को खास दिन मनांदे सन। इधर मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद ते नबी करीम अलैहि सलातो वसलम आप सरकारी खाना काबा दे अंदर और मक्के दे लोग भी खाना काबा दे विच जमा ने। नबी करीम अलैहि सलातो वसलम आप सरकार तवाफ फरमा रहे, मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद भी तवाफ फरमा रही। एक चक्कर, दूसरा, तीसरा, जब चौथा चक्कर आया ना तो नबी करीम अली सलातो सलाम ने पीछे मुड़ के वेख्या तो मौला अली दी अम्मी जान ते नबी करीम अली सलातो सलाम दी चची हजरत फातिमा बिनते असद दे चेहरे दे आसार ने ना वो तकलीफ ज्यादा ने परेशान पईयां लगदियां ने। तो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम आप सरकार ने फरमाया, चाची जी खैर है, परेशान लगदियां तो हाडे चेहरे ते तकलीफ दे आसार ने। मेरे आका ने फरमाया, चाची जी खैर की होया जे? अर्द कर दिया ने वे कमली बाल लगता बच्चे दी विलादत दा वेला हो गया। मेरे आका ने फरमाया, चाची जी घर लगिया जाओ। अर्द कर दिया ने वे कमली बाल लगता घर भी नहीं जाया जाना। मेरे आका ने फरमाया, चाची जी तवाफ ते पूरा कर लवो। अर्द कर दिया ने वे कमली बाल लगता तवाफ भी पूरा नहीं किया जाना। हासलपुर दे नौजवानों अचानक काबे दी दीवार फट गई, अदरों आवाज आई जे अपने घर नहीं जा सकती आजा मेरे घर आ। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, मैंने ईमानदारी ना दस्या जे शरीयत में एक मसला अर्ज करके फिर तुहाडे कोल पुछना भाई, शरीयत दा कायदा कुलिया एवे कि मां अपने बच्चे नु जन्म देवे ना हजरत जी ते ओ 40 दिन कुराने पाक नु हाथ नहीं लगा सकती, ओ काबा दा खिलाफ नहीं पकड़ सकती, काबे दा तवाफ नहीं कर सकती। ओ केड़ा पाक है जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पे होंदा है? बोले नहीं। ओ केड़ा पाक है जेड़ा पैदा भी काबे दे विच पे होंदा है? मैं आप अहबाब नु थोड़ा जिहा तसव्वुर च पिछे लेके चलां। जदों अल्लाह दे नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह दी विलादत होई ना, किबला अव्वल मस्जिद अक्सा बैतुल मकदस, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहि सलाम आपकी मां हजरत मरियम बुतूल अलैहि सलाम आप दे शिकवे अथरिचू जड़ वेले हजरत ईसा पाक दी विलादत होई ना, याद रखे जे हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आ फरमांदे ने कि कायनात दे विच इको हस्ती है जिहड़ी तीन लम्हां दे विच कायनात दे तशरीफ लेके आई। पहले लम्हे हजरत जिब्रील अमीन रूहुल अमीन फूंक लगाई, तो दूसरे लम्हे हजरत ईसा पाक अपनी मां दे शिकम च आ गए, तो तीसरे लम्हे हजरत ईसा रूहुल्लाह दी विलादत भी हो गई। यही हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कि बड़े होके जिस मुर्दे नूं फूंक लगा दे ने उस दे विच रूह डाल के जिंदा कर देंदे ने। हजरत मरियम बुतूल अलैहि सलाम आप ना मस्जिद अक्सा दे हुजरा दे अंदर तशरीफ फरमाने ते आपने वेख्या कि अंदर एक बशर है, एक इंसान है। ते ख्याल आया कि मेरे खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारो ताला लगा के गए ने, ते ए बशर कौन है, ए इंसान कौन है? वो जड़ा इंसानियत का लिबादा ओढ़ के आया, बशर हालत आया, उन्हें आख्या इन्नमा अना रसूल रब्बी की ली आहा बाला की गुलामन ज़किया, फरमाया मैं अल्लाह का पैगाम बर बन के आया। जिब्रील अमीन रूहुल अमीन आपने फूंक लगाई। मुख्तसर एवे कि हजरत ईसा रूहुल्लाह मां दे शेकों विच जड़ वेले हजरत ईसा पाक दी विलादत दा वेला होया ना, पढ़ो कुरान, परीत परीत ना मिठा बुटा बोलो बे, सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, हुज़ी بجد ان نخلا تساقط عليك رطبا جنيا। परवरदिगार ने फरमाया, मरियम जरा काबे जरा किबला अव्वल चुबारिया जा। नौजवानों केड़ी मोहब्बत दी बात है, जड वेले अल्लाह दे नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह दी विलादत दा वेला आया, मां किबला अव्वल दे अंदर आवाज आई, बारिया जा बारिया जा बारिया जा। जड वेले अली दी विलादत दा वेला आया, मां काबे दे बारे आवाज आई, अंदर आ जा अंदर आ। सुभान अल्लाह जोर लगता है, एक बार गज बज के बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम आप सरकार दे गुलामो मौला अली इतनी शान वाले कि पैदा काबे दे विच पे होंदे ने।
उन गल अगे टोरां जो बोलो सुभान अल्लाह दा कमर भाई तरन्नुम थोड़ा डिले होर बढ़ा दे प्रीत नाल बोलो सुभान अल्लाह मौला अली दी विलादत काबे दे विच होई एक दिन नहीं दो दिन नहीं बल्कि आप तीन दिन काबे दे विच रहे अपनी गोदी लेके बैठिया ने मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद दी अखां विचों छम छम अथरू ने जिवें तस्बीह टुट जाए ना तो उहदे दाणे बिखर जांदे ने आप रो रही हैं नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया चाची जी जे रब पुत्र देवे ना ते मामा तां राजी होंदियां ते तुहानू रब ने पुत्र दिता तुहानू खुशी कोई नहीं रब ने पुत्र दिता जे ते तुसां राजी हो खुश हो जाना चाहिदा सी पर तुसीं तज़ारुक कता रो रही हैं तुहानू खुशी कोई नहीं तुसां राजी कोई नहीं हो अर्ज करदियां ने मैं कमली वाले राजी मैं भी बड़ी अर्द की वे कमली वाले अज तीन दिन गुजरे ने मेरा बच्चा अखा खोल दई नहीं खबर मेरे बच्चे दियां अखियां ही कोई नहीं मेरे आका ने फरमाया चाची जी ले ओ पुत्र मैं चेक करा इधर नबी करीम नु मौला अली नु चुकया अपनी गोदी विच रख लिया मेरे आका ने जड़े वेले अली वल वेख्या अली ने अपनिया अखा खोल लिया मौला अली ने नबी दे मुख ते अपनिया अखियां रखिया मौला अली ने जड़े वेले हुजूर दा चेहरा अनवर तकिया गोदी नबी दी मुख नबी दा अख अली जमानो इधर मौला अली नबी करीम दिया ज़ियारत की थी जा रहे मेरे आका ने फरमाया चाची जी तू सदा कहते हो दिया अखियां कोई नहीं जे कदी मोहम्मद को पूछो कायनात दे विच ए दिया रब अखियां बनाई कोई बच्चा पैदा हो सब तो पहले अपनी अम्मी वेखदा या अबू वेखदा या आंढ गवांढ अंग साख जिहड़े करीब होण ओह वेखदा है ते मैं अर्ज कीती या अल्लाह को बच्चा इवें दा होवे जदों जम्मे ते मुख नबी दा होवे याद रखिया जे अगर हकीकी प्यार ते हकीकी इश्क होवे ना किसे दे नाल अगर किसे माही दी उड़ीक होवे सदर होवे तांग होवे ते दरवाजा हवा नाले खुले ते इंज लगदा है मेरा यार आ गया है अर्ज की कमली वाले जो तुम मेरे बेटे तशरीफ लैके आयो ना ते तो जिसमें अतहर दिया खुशबुआ मेरे सामच गई ते अंदरू हूक उठी अली वेखो तेरा यार आ गया है अच्छा अली दी विलादत काबे दे विच हुई आप ने समात की थी अली दी विलादत काबे दे विच हुई ते मौला अली ने अखा नहीं खोलिया असी लखा रुपए लगा के काबे दा तवाफ करने वास्ते जाने हां गुंबद ए खजरा दी ज़ियारत करने वास्ते जाने हां और मौला अली दी विलादत काबे दे विच हुई पर मौला अली ने अखा नहीं खोलिया वजह की है नबी करीम अलैहि सलातो सलाम आप सरकार दे गुलामो सैयदी आला हजरत ने फरमाया ना हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा देख चुके अब काबे का मौला अली फरमाया काबा तेरी शान बड़ी है तू बड़ी अजमत वाला है पर मैं तेनू बाद च वेखांगा पहले तेरा काबा ता वेख लवां ला चला मियां साहब दे दरबार उते जो बोलो सुभान अल्लाह अच्छा भी इस तू हौला बोलो तो सर फिर भी जाएगा शाह जी जिस तरह तेरा मजमा ना ते जी करदा बता दो तीन घंटे तकरीर कर लवे सुभान अल्लाह सोने सैयद ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ
बैदर मुर्शिद जाए ए खाना ते हज जरूरी करिए तकवा रखे महबूबा वाला अते चल दबारा लिए कमली वाले तुहाडे बगैर कौन गुटियां दे सकदा सोने आ? अच्छा भी साडा बच्चा जमे ना तो या नाना या दादा गुटी देंदे और अजकल वैसे ज्यादा मॉडर्न दौर है बच्चा जमे तो माँ की ख्वाहिश होती मामू गुटी दे ते बाप की ख्वाहिश होती भी इनू चाचू गुटी दे ते जे चाचू दे लवे बेचारा गुटी तो बच्चा कर लग पवे शरारत तो भला माँ की आखदी ये उतरा चाचे ते गया बच्चे तो साडा बच्चा जमे तो नाना या दादा गोटी दे दे ते नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे घर दे जदों बच्चे आउण इमाम हसन हुसैन आउण बीबी पाक आउण मौला अली आए ते नबी पाक दी जबान दे चूसे मुबारक मौला अली दी दहन च रखी मौला अली नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे जबान दे चूसे ले रहे। अच्छा सवाल ए वे के साडा बच्चा जमे असी शायद झूठा करके कोई मिठी चीज झूठी करके नाना दादा गुटी कोई मिठी चीज झूठी करके बच्चे नूं देने भी साढ़े बच्चे आन तो असी कायनात दी मिठिया चीज़ें गुटी देने जो नबी दे घर दे बच्चे आन तो नबी दी जबान दे चूसे वजह की है रब ने फरमाया कायनात वाले मैं कायनात च बहुत कुछ मिठा बनाया पर एडा मिठा कुछ भी नहीं बनाया जिहड़ी मिठी मुहम्मद दी जबान बना दी है वो एडी मिठी जबान हो जिहड़ी जबान ते कदी खुदा बोले ते कदी मुस्तफा बोले। अच्छा उदी जबान ते पढ़ा कुरान परीद नाल हाथ चुके बोलो भाई सुभान अल्लाह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वकीन ही या रब्बी इन्ना हाउला इकौमुल्ला युमिनो इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम वमा यातिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला जवान जड़े बेले बच्चा सब तो पहली बोली बोले माँ कहती सदके जावा बाप कहता मैं कुर्बान जावा माँ कहती मैं बलहारी जावा जड़े बेले मेरे आका ने पहली बोली बोली माँ ते साया कोई नहीं बाप दा साया कोई नहीं परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले की होया जे तेरी माँ कोई नहीं तेरा बाप कोई नहीं सुने एक बोली बोल ते सही तेरी बोली ते दो में जग कुर्बान कर देवा वो एडी मिठी जबान मुबारक है और जड़ी जबान ते कदी खुदा बोले ते कदी मुस्तफा बोले हुन अगे गल टोरिए जे फिर बोलो सुभान अल्लाह दा मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने एवे नहीं फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अगर दोतरा नाने दी गुटी ले पोतरा दादे दी ले ते ओ नाने ते दादे ते जा सकदे ने ते अली नबी दी गुटी लवे अली नबी ते नहीं जा सकदा। मैं इदा अमल अर्ज कर दे इदा प्रैक्टिकल इदा मैं आप अहबाब दे सामने थोड़ा जिहा खुलासा अर्ज कर देवां मौला अली कूफा दी जामे मस्जिद दे सामने जा रहे थे आपने एक कदम मस्जिद च रखे ते एक कदम बारे ते मौला अली दे सामने एक यहूदी आ गया ते कहण लगा अली मैं सुणिया कि नबी दे इलम दे शहर दा दरवाजा मौला अली ने फरमाया कि हाँ मैं नबी दे इलम दे शहर दा दरवाजा ते यहूदी कहण लगा मैं ये भी सुणिया कि हर सवाल दा जवाब बगैर सोचिया दे देना मौला अली ने फरमाया कि हाँ मैं हर सवाल दा जवाब बगैर सोचिया दे देना ते यहूदी कहण लगा अली मैं भी सवाल करा मौला अली ने फरमाया भी करो सवाल हुण ओदा ख्याल है कि मैं इंज दा सवाल करांगा कि मौला अली जवाब देवेगा ते इस दा जवाब देंदे देंदे इहदी नमाज रह जाएगी ते मौला अली ओ वे जिन्हें कदी नमाज छड्डी नहीं
पर अक्सरियत नाल आजकल कुछ ऐसे अली दे मलक ने जिन्हें कभी नमाज है जे अली दा जिक्र सुना तो सानू नमाज पंज गाना दी पाबंदी करनी पवेगी। इधर मौला अली दे सामने मौला अली ने फरमाया यहूदी का सवाल, यहूदी कहण का अली ये दसे किहड़े जानवर बच्चे देंदे ने ते किहड़े जानवर अंडे देंदे ने। हुण उसका ख्याल है वे कि मौला अली गिण के दसेगा ते मौला अली की नमाज रह जाएगी। अगे जवाब देने वाला कोई मेरे वर्गा कम अकल नहीं सी, अगे जवाब देने वाला वह सी जिहड़ा नबी की जबान दे चूसे लैंदा रहा है। मौला अली ने फरमाया सवाल करने वाले जो जानवर बच्चे देते हैं उन हाँ के कन बाहर देते, जो जानवर अंडे देते हैं उन हाँ के कन अंदर ने, तू गिण ते मैं नमाज पढ़ के आया। मौला अली ने गिनती च पा आया, मौला अली ने गिनती चाह दिता। जेडे वे यहूदिया बहुत बड़े आलम पता चलने या जानवर बनते वेखता रहा है। नौजवान यहूदिया का आलम ही मन गया, कह लगा तू राजदारे खफी जली है, जिधर भी देखो तो राजदार खफी जली है, किधर भी देखो इतनी हाथ चुक के अली का जिक्र करो, जिधर भी देखो नौजवान गूंज पा दो, जिधर भी देखो। सैयद जुनैद शाह बुखारी हदीस पाक अर्ज कर देना, नौजवान यहूदी जड़े मिले मौला अली दे सामने, यहूदी कहन लगा अली तू हर सवाल का जवाब बगैर सोचा दे देना, तू सोचता ही नहीं, दसियां दी वजह की है। मौला अली ने फरमाया यहूदी दस तेरे हाथ दियां उंगलियां कितनियां ने, यहूदी कहन लगा अली मेरे हाथ दियां पंज उंगलियां। मौला अली ने फरमाया सोचिया तू भी कोई नहीं, यहूदी कहन लगा अली ए हाथ हर वेले मेरे सामने रहंदा है। मौला अली ने फरमाया यहूदी जिवें हाथ तेरे सामने रहंदा है इवें सारी कायनात अली दे सामने रहंदी। यहूदी भी मन गया, कहन लगा तो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो। हजे नहीं पढ़िया भला मैं किवें सुना जावा। एक बारी मौला अली हजरत बिलाल खरबूजा खाई जा रहे हैं, खरबूजा फीका निकले हैं। मौला अली ने फरमाया बिलाल वापस करके आइए। हजरत बिलाल ने फरमाया अली दस वजह की। मौला अली ने फरमाया बिलाल नबी दी बार गाछ बैठा। मेरे आका ने फरमाया अली जड़ा फल तेरे नाल प्यार कर लैंदा है ओ मीठा हो जांदा है, जड़ा तेरे नाल प्यार नहीं करदा ओ फीका हो जांदा है। अज कुछ बंदिया दी सूरत हाल एवें, अली दा जिक्र करके वेख लवो जड़ा ठर जावे समझो मीठा हो गया। हुण ते गूंज पा दियो जिधर भी देखो अली अली, ए बंदे भी चेक करो हाथ चुक के बोलो जिधर भी देखो अली, गूंज पा दियो जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो हाथ मत्थे खड़ी चो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जिधर भी देखो अली अली, गोड़ियां तो हाथ चौक के जिधर भी देखो अली अली। अच्छा शाह जी, मेरा ईमान है कमजोर, ईमान वाला बंदा तो कमजोर, जिस्म वाला बंदा जिक्र अली कर ही नहीं सकता। बेशक तुसी आखोगे भाई कमजोर ईमान वाला बंदा तो चलो हिस्सा ही नहीं ना, वो अली का जिक्र किवें करे, ते कमजोर जिस्म वाला बंदा जिक्र अली क्यों नहीं कर सकता। भी सिंगल पसली बंदा हो, माड़ा जहा बंदा मन वजन चुकता हो, चुकया ना जाए तो चुकद्या चुकद आखे ए या अली, वह होंगे कि माड़ा जहा बंदा मन वजन चुक जाता है। अज भी अली का नाम कमजोर का जोर बन जाता, जिथे नारा मारिए अली का जंगा का नक्शा होर बन जाता। जिधर भी देखो अली, हाथ चौके जिधर भी देखो अली। चलो मैं होर अली दे गुलामा का दिल होर वड्डा कर देवा ताकि खुशखबरी फैल जाए।
जिधर भी देखो आजड़ी पाकिस्तान की हुकूमत है ना, ये जड़ा सब तो वड्डा बहादुर ते जना है, उन्हें इनाम च पता की देंदी निशाने हैदर हैदर। जिधर भी देखो हाथ चौके बोलो जिधर भी देखो अली।